सो वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। और आज हम बात करने वाले हैं शोल्डर के ऊपर। आप 3D शोल्डर बोल रहे हो, राउंडर शोल्डर बोल रहे हो, जो मर्जी बोल रहे हो, आज हम लोग उसके ऊपर बात करने वाले हैं ताकि आप लोगों का जो शोल्डर है वो अच्छे से ग्रो हो सके। तो फर्स्ट वर्क जो करना है वो है सीटेड बारबेल प्रेस, वो भी स्मिथ मशीन पे। और मैं जो मुझे पता है कि मैंने एक वीडियो में बोला था ये बहुत डेंजरस वर्कआउट है, लेकिन मैं इसलिए ये कर रहा हूँ क्योंकि मेरा अभी बहुत दिन हो गया वर्कआउट करते हुए, और मैं कोई बिगिनर के लिए वर्कआउट नहीं बना रहा हूँ। मैं एक्चुअली बता रहा हूँ जो अच्छा होता है नहीं होता है। तो इसीलिए क्या करना है, हम लोगों को बैठना है स्मिथ मशीन पे और हाथ को सामने रखना है, ठीक है। और मैं बताता हूँ उसका उससे फ़ायदा क्या होगा। आपको नीचे आना है, 1 2। अभी आपका बॉडी मूवमेंट नहीं करना है, बस हाथ को मूवमेंट करना है। तो इससे क्या होता है, आपका जो शोल्डर रेड अरे फ्रंट डेल्ट है वो कम्प्लीटली ट्रेन हो जाता है, और आपका पूरा ओवरऑल शोल्डर तो ट्रीट होता ही है, लेकिन अपर जो फ्रंट है फ्रंट डेल्टा वो अच्छे से ट्रेन हो जाते हैं। और इसको ऐसे ही करना है कि हाथ सामने रहे और पूरा नीचे जाओ, और जो वो तो फुल रेंज ओवर आपको पता ही है। तो नेक्स्ट वर्कर जो है वो है लेटरल रिस। ज़्यादा हेवी लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको लोग बोलते हैं ऐसे मारो, हैंड थोड़ा बैंड रखो। मैं बोलता हूँ मेरे स्टाइल से एक बार मार के देखो, ठीक है। हाथ को थोड़ा बैंड करो ऐसा, और हाथ को सीधा करके सीधा ऊपर लेके जाओ, 1 2। कोई मूवमेंट नहीं बॉडी का, बस शोल्डर का मूवमेंट होगा, 3 4 5। आप ये वाला करके देखो, सबका 3-3 सेट होगा। वैसे ये वाला करो फिर बताना इसमें और इसमें डिफरेंस। मेरे को कमेंट में बताओ कि आपको शोल्डर में कैसा पंप आया ये वाला वर्कआउट करने के बाद, ठीक है। तो नेक्स्ट है शोल्डर प्रेस या आर्मी प्रेस, आप जो बोलना है बोल सकते हो। तो उसमें क्या करना है, अपना जो ये वाला बेंच है वो बेंच में बैठना है, दो डंबल लेना है, और डंबल को हाथ को पूरा नीचे लेके जाओ, पूरा ऊपर लेके जाओ, लेकिन ऊपर लेके टच मत करो, 1 2। ट्राई करो हाथ को सामने रखने का, 3 4 5 6। अब मैं जैसे दिखा रहा हूँ वही सीक्वेंस में आपको शोल्डर करना है, तभी आपको शोल्डर को इफेक्ट मिलेगा। देखो मैं एक सच बात बताता हूँ, ठीक है। ऐसा कोई हाईफाई वर्कआउट नहीं है शोल्डर के लिए, ठीक है। जो इंस्टाग्राम में दिखाता है वो एंगल पर मारना है तो शोल्डर बन जाएगा, वो एंगल से मारना है शोल्डर बन जाएगा। देखो हम लोग हैं नेचुरल एथलीट या नेचुरल बॉडी बिल्डर, हम लोग जो ओल्ड स्कूल वर्कआउट है वो हम लोगों के लिए बेस्ट है, ठीक है। मैं 5-6 साल से वर्कआउट कर रहा हूँ, उतना ज़्यादा भी नहीं किया कि सब कुछ आता है। मैं भी लर्निंग पोजिशन में हूँ, और अभी मैं भी सीख रहा हूँ आपके साथ। तो जो जो मेरे को सीख रहा हूँ, जो जो सिखा रहे हैं लोग, वही आपको बता रहा हूँ। तो नेक्स्ट वर्कआउट करना है अपने डेल्टॉइड्स के लिए, मतलब रेड डेल्ट के लिए। रेड डेल्ट हम लोग एक भी वर्कआउट नहीं किया, तो उसके लिए हम लोगों को जो ये वाला है रोप वो ले लेना है, एकदम एंड पे पकड़ना है, जहाँ पे अपना सर है वहाँ पे ये वाला लगाना है, ये वाला जो है लीवर वो यहाँ पे लगाना है, और पीछे आओ, ठीक है। और हाथ को ना सर के ऊपर लेके जाओ ऐसे, 1। लोग बोलेंगे यहाँ पे लेके आओ, लेकिन मैं बोलूँगा सर के ऊपर लेके जाओ, 1 2 3 4 5। इसका भी आपको 10-12 रैप मारना है, आपका वही अपने फेलियर सेट मारना है, 3-3 सेट तो मारना ही है। ये वाला वर्कआउट आप वहाँ भी कर सकते हो, वो क्या बोलते हैं पेग डेक फ्लाई में, वो भी कर सकते हो, ठीक है। पेग डेक फ्लाई में वो वाला मज़ा नहीं है जो फेस पुल में है, ठीक है। अब फेस पुल मार के जो मज़ा आता है मेरे को ज़्यादा आता है, अगर आपको मज़ा नहीं आता है तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। तो स्ट्रक्स के लिए हम लोग वापस आ जाएंगे अब मेरे स्मिथ मशीन पे। वेट आपकी मर्जी से लगा लेना, मैं यहाँ पे वेट नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि आज मेरा कोई भी वर्कआउट नहीं है, मेरा रेस्ट डे, आपको पता ही है मैं रेस्ट डे के दिन वीडियो बनाता हूँ आपके लिए। तो उसके लिए क्या करना है ना, आप सामने आओ, ठीक है। अपना पैर है उसको अपने रॉड के साथ लगाओ, ठीक है। फिर अपना मैं जैसे डेडलिफ्ट दिखाया था ना वैसे उठाना है, और 1 थोड़ा बेंड सामने से, थोड़ा बेंड, 2 पूरा नीचे, 3 पूरा छोड़ो, 5 पूरा छोड़ो, 6। ये वाला वर्कआउट मुझे लगता है आपको इजी पड़ सकता है, तो अगर इजी पड़ता है तो उसको थोड़ा टफ बनाना है, जो कि मैं करता हूँ क्योंकि ये वाला मुझे थोड़ा इजी लगता है। तो मैं क्या करता हूँ, उसको थोड़ा वाइड पकड़ता हूँ पीछे से, ठीक है।
पीछे से लेता हूँ और फिर वन टू थ्री फोर और फाइव। ये करता हूँ मैं कम 10-12 बार वेट लगा के, मतलब ज़्यादा मैं हेवी वर्कआउट करता नहीं हूँ, आपको पता ही है। मैं लगाता हूँ 15-15 के दो प्लेट्स और मारता हूँ जब तक मेरा यहाँ पे पेन नहीं होता। अब सिंपल लॉजिक है, जब तक पेन नहीं होता तब तक आपको ये वाला वर्कआउट करना है। अगर हेवी ले सकते हो तो ले सकते हो, इसमें इंजरी होने का चांस भी कम रहता है। जस्ट उठाने के टाइम में ध्यान से रखना, ये आप डंबल से भी कर सकते हो वैदे, लेकिन डंबल से मत करो, बारबेल से ही करो, बारबेल में ज़्यादा इफेक्ट होता है। तो शोल्डर का वर्कआउट इतना ही था, आपको ये 5 वर्कआउट करो और करने के बाद आप बताओ मेरे को शोल्डर में कैसा सेक्सी वाला पंप आता है और ऐसा 3D शोल्डर बने करो, मजा आ जाएगा मैं बता रहा हूँ। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन मस्त खाओ, फिट रहो, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।